अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाई ए आर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाउ इट कैन बी यूज टू डिटरमिन द वेवलेंथ बाय यूजिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर है। इस स्पेक्ट्रोमीटर में लेफ्ट साइड पर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। तो सबसे पहले काम ये होता है कि आपने टेलीस्कोप को किसी दूर की चीज़ के लिए फोकस करना होता है, ताकि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसका क्लियर इमेज यहाँ पर आपको नज़र आ सके। तो अभी आपको दिखाते हैं ये किस तरह फोकस की जाएगी। तो सबसे पहले हमने टेलीस्कोप को फोकस करना है। आप देखेंगे यहाँ जो इसका इमेज है, जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, हम टेलीस्कोप की पोजीशन जो है उसको एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो ये आपके सामने देखें, जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही थी उसका व्यू जो है वो कैसे वादे होना शुरू हो रहा है, और जिस पोजीशन पर जाकर ये मुकम्मल तौर पर आपको यानी क्लियर नज़र आने लग जाएगा, इट मीन कि आपकी जो टेलीस्कोप है ये दूर की चीज़ के लिए फोकस हो चुकी है। इसके बाद हम बाकी हिस्सों का इंट्रोडक्शन करते हैं। टेलीस्कोप के बिल्कुल सामने जो आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, ये कॉलीमेटर कहलाता है। कॉलीमेटर जो होता है, इसके सामने ये वाली जो चीज़ है, ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है, ये स्लिट होती है जो कि एडजस्टेबल है, और इसके आगे एक लेंथ लगा होता है जो आने वाली लाइट की रेज को पैरेलल करता है। ये दरमियान में आप देखें तो यहाँ आपको एक स्टेज टाइप चीज़ नज़र आ रही है, जिसको टर्न टेबल का नाम देते हैं। इस टर्न टेबल के ऊपर जो यहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है, जिसके अंदर हम या तो प्रिज्म को रख सकते हैं या फिर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसके नीचे आप देखें, यहाँ पर आपको ये 1, 2 और 3, ये 3 स्क्रूज होते हैं। इन स्क्रूज की मदद से आप इस स्टेज को या टर्न टेबल को जो है मुकम्मल तौर पर लेवल कर सकते हैं, लेवल की मदद से। इसके बाद यहाँ ये हिस्सा जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एक वर्नियर स्केल है, और जो इस तरफ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसका दूसरा वर्नियर स्केल है। इन हिस्सों की मदद से हम इसकी रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ ये कुछ आपको यानी ये नज़र आ रहे हैं स्क्रूज, इन स्क्रूज की मदद से आप यानी ये जो इसके ऊपर टर्न टेबल है, इसकी रोटेशन को बंद भी कर सकते हैं, और अगर इसको क्लोज करें तो इसको मूव भी करवा सकते हैं। ऐसे यहाँ एक नीचे स्क्रू आपको नज़र आ रहा है, इस स्क्रू की मदद से आप जो टेलीस्कोप है इसको यहाँ पर यानी जिस जगह पर रीडिंग लेनी है उस जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। और एक स्क्रू यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला यानी मुकम्मल जो आपका अरेंजमेंट है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ये स्केल वाला हिस्सा जो इसका मूव करने वाला है, इसकी अरेंजमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक स्क्रू यहाँ नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप इसकी पोजिशन को अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम जो हैं देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने जो है लाइट जो है वो ऑन होगी। ये अब आपके सामने इसका व्यू क्लियर आपको नज़र आ रहा है। अभी ये आपके सामने जो इसके वर्नियर्स हैं, इनकी पोजीशन आपको वाजे नज़र आ रही है, ये ज़रा देख लें मज़ीद। एक वर्नियर जो है इस तरफ नीचे नज़र आ रहा है, जिसको वर्नियर नंबर 2 का नाम दिया हुआ है, और एक वर्नियर ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको वर्नियर नंबर 1 का नाम दिया गया। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने इसका लीस्ट काउंट डिटरमिन करना है। यहाँ देखें, ये 0 और यहाँ 10 है, तो इट मीन कि यहाँ इसके दरमियान 20 पार्ट्स किए गए हैं। तो इट मीन के यानी टोटल इस पे था अगर 360 डिग्रीज हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो डिग्री का हाफ हिस्सा, यानी ये 0.5 डिग्री के बराबर लिया जा रहा है। और उसके बाद आप देखें जो नीचे वर्नियर स्केल है, इसके 30 डिवीजन किए गए हैं। तो सबसे पहले आपने इसका लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, या इसको आप कह लें यानी मेन स्केल कह लें, जो कि आपका 0.5 डिग्री के बराबर आ रहा है, या वो आपका बन रहा है यानी 1 ओवर यानी 30, अगर मिनट में लेंगे तो 30 मिनट बन रहा है, और जो इस पर नंबर ऑफ डिवीजन हैं वो भी 30 हैं। तो अगर आप डिग्री में निकालना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 0.5 ओवर 30 डिग्रीज, लीस्ट काउंट इसका बनेगा। और अगर आप इसको मिनट्स में लेना चाहते हैं तो यहाँ देखें, एक पूरी डिग्री जो इसको दो हिस्से किया हुआ है,
तो ये 30 मिनट के बराबर बन जाएगा। आप जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये बल्कि 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ डिग्री के दो हिस्से हैं, तो इट मीन के जो मेन स्केल है उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो आपका 30 मिनट के बराबर बन रहा है, और उसको यानी स्मॉलेस्ट जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन हैं वो 30 है, उससे तकसीम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका बन जाएगा लीस्ट काउंट वो 1 मिनट के बराबर आता है। नीचे वाला सूत्र जो देखें ये भी बिल्कुल इसी तरह ही वर्क करता है, ये वर्नियर नंबर 2 है। तो वर्नियर नंबर 2 के अंदर भी आप देखें, ये यहाँ भी आप गौर करें तो ये इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो यानी हाफ डिग्री है या 30 मिनट बनता है, और नीचे जो वर्नियर की टोटल डिवीजन वो भी 30 है, लिहाजा दोनों वर्नियर जो है इनका टोटल जो हमारे पास आ रहा है यानी लीस्ट काउंट वो बन रहा है यानी 30/31 मिनट के बराबर आ रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइट को ऑन करते हैं। ये लाइट का सोर्स है और ये जो है हम आपके सामने टेलीस्कोप है, और ये वर्नियर हैं, वर्नियर नंबर 1 और 2, जैसा कि आप यहाँ बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं इसके अंदर। और ये जो सामने आपके यानी निशान नज़र आ रहा है ये क्रॉस वायर है, जिसको यहाँ पर फोकस कर दिया गया पहले ही, इसको मज़ीद भी आप फोकस कर सकते हैं टेलीस्कोप को। तो अब हम इसको जो ही लाइट ऑन करेंगे तो आप देखेंगे लाइट ऑन करने पर ये जो आपके सामने था जिसको हमने नाम दिया था कॉलीमेटर, कॉलीमेटर के अंदर ये सामने स्लिट है, तो ये स्लिट का जो इमेज है आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू होगा। तो ज़रा गौर करें, तो जो ही लाइट ऑन हुई तो आपके सामने ये ग्रेटन का जो है स्लिट का जो है साइज यहाँ पर आ गया। अब ऑसिलेटर जो है इसको फोकस भी कर सकते हैं और इसकी वेथ भी काम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखें अगर इसकी वेथ को थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए तो क्या होगा। अभी मैं इसकी वेथ ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देखें इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा, और अगर काम करेंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। मज़ीद आप इसको फोकस भी कर सकते हैं, अभी देखें स्लेट का साइज़ थोड़ा बड़ा करने के बाद इसको फोकस करवाते हैं तो ये हमें किस तरह की नज़र आएगी। तो ये देखें अगर ये हम यानी टेलीस्कोप की पोजिशन को चेंज करते हैं तो जो आपके पास जो स्लेट का इमेज नज़र आ रहा है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो काम ज़्यादा हो जाती है। तो आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये मुकम्मल तौर पर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हो। इसके बाद अगला हमने काम करना है कि इसके ऊपर हमने ग्रेटिंग रखनी है, तो आइए देखते हैं ग्रेटिंग रखने के बाद क्या होगा। तो ये सामने ग्रेटिंग इसके ऊपर एडजस्ट कर दी, अब हम क्या करेंगे टेलीस्कोप जो है इसको मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पर। जैसे ही टेलीस्कोप जो है लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी तो आपको आप देखेंगे इसका इमेज आपको नज़र आएगा। ये देखें यहाँ से पकड़ कर टेलीस्कोप को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते हैं, ये ऐसा ऐसा इसको लेकर जाएं तो देखें स्केल भी उसके साथ ही मूव कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको यानी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो आपको जो है इसका जो है इमेज जो है वहाँ नज़र आएगा। ये आप ऑब्जर्व करें जैसे जैसे टेलीस्कोप मूव कर रही है वैसे वैसे वर्नियर स्केल जो हैं उसके साथ साथ जो हैं वो मूव करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो अब आपने इसको ऐसी जगह पे फोकस करवाना है कि जहाँ पर आपको इसका इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ रहा हो। अभी मैं आपको दोबारा इसको एडजस्ट करते हैं टेलीस्कोप को हम, जैसे ही टेलीस्कोप को हम एडजस्ट कर लेंगे तो क्लियर इमेज हो जाएगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लाइट को ऑन करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे तो आपके सामने ये इमेज बन जाएगा। अब हम इस पर ग्रेटिंग रखते हैं, ग्रेटिंग रखेंगे और अब हमने ग्रेटिंग का जो इमेज है वो देखना है कि वो कैसे हमें नज़र आता है। तो अभी हम टेलीस्कोप की पोजीशन जो है इसको चेंज करते हैं, तो ये देखें ये देखें टेलीस्कोप की जैसे जैसे पोजीशन पोजीशन चेंज होती होती है तो जो क्रॉस क्रॉस वायर इमेज बनने वाला था भी वो भी अपनी जगह जो है वो बदलता बदलता जा जा रहा है। अब आप इसको या इसको तो या पहले तो पहले टेलीस्कोप को टेलीस्कोप राइट को वर्ड राइट लेकर वर्ड लेकर लेकर जाएंगे। अब देखें मैं मैं इसको सबसे सबसे पहले पहले जो जो है है आपके आपके सामने लेफ्ट वर्ड लेफ्ट लेकर वर्ड जा रहा लेकर हूँ, जा तो जैसे रहा हूँ जैसे तो जैसे टेलीस्कोप जैसे लेफ्ट टेलीस्कोप वर्ड लेफ्ट लेकर वर्ड जा जा रही रही है है तो तो आपके आपके सामने सामने जो जो स्लिट का स्लिट इमेज का इमेज था था वो वो भी भी उसके उसके साथ 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 मूव मूव कर कर रहा रहा है। है। तो एक खास खास एंगल के एंगल के बाद आप बाद हम देखें देखें एंगल एंगल चेंज चेंज हो हो रहा रहा है। है। दोबारा 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 जरा देखें, देखें, आपने 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 इस पर करेक्ट करेक्ट इमेज इमेज की की पोजीशन पोजीशन नोट नोट कर कर लेनी लेनी है है इस इस पोजीशन पोजीशन पर पर थी। थी। जरा गौर जरा करिए गौर कैसे करिए हम कैसे इसको इसको मूव मूव करवा करवा रहे रहे हैं। हैं क्रॉस क्रॉस वायर वायर पहले पहले तो तो बिल्कुल सेंटर पे सेंटर फोकस पे करवा फोकस देना करवा देना है। अब यहाँ आपने रीडिंग नोट कर लेनी है, तो देखें इसमें आपका जो वर्नियर नंबर 1 है ये इसकी रीडिंग आ रही है, यानी आपका जो वर्नियर का 0 है वो 0 डिग्री के बिल्कुल सामने है,
तो इट मीन बाकी रीडिंग को आपको देखने की ज़रूरत ही खास नहीं पड़ेगी, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है एग्जैक्ट रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। तो यानी हमारा वर्नियर नंबर वन जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री के सामने। अब वर्नियर नंबर टू की रीडिंग भी देख लें, तो वर्नियर नंबर टू में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ फ़र्क आ रहा है, यानी ये 0 जो है वो 180 से थोड़ा सा पीछे है। तो अब यहाँ पर आप वो नोट कर लेंगे, यानी ये हमारी कीमत बनेगी 179 मुकम्मल होगी। और इधर से देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न जो है मुकम्मल तौर पर कोइंसाइड कर रहा है, तो वो जो नंबर कोइंसाइड कर रहा है वो हमें नोट करना पड़ेगा। तो हर एक वैल्यू को लहदा लहदा हमें देखना होगा कि कौन सा नंबर जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो यहाँ आ रही है, मामूली सा डिफरेंस होगा यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं कौन सा एग्जैक्ट सामने आ रहा है। तो ये वाला नंबर सामने आ रहा है, ये आपका 8वां नंबर मांग रहा है। तो 8 नंबर जो है बिल्कुल सामने है, तो ये आप नोट कर लेंगे कि वर्नियर टू में हमारा 179 मेन स्केल डिवीजन है, और जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो 8 नंबर आ रहा है इसका। इसके बाद हम टेलीस्कोप को मूव करवाते हैं लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड। अब मैं इसको पहले लेफ्ट वर्ड मूव करवा रहा हूँ। अब देखें जैसे ही बल्कि राइट वर्ड टेलीस्कोप को लेकर जा रहे हैं, राइट वर्ड तो आप देखें लेकर जा रही होती जा रही है, और देखें रीडिंग चेंज होती जा रही है, और आपका जो स्लेट का जगह जो है वो चेंज करता जा रहा है, वो अपनी जगह जो है वो दरमियान में एक ऐसी पोजीशन आएगी, दरमियान में एक ऐसी जो लाइट आ रही है उसके जो लाइट आ रही है उसके वहाँ हमें कोई लाइट होंगे। अब देखें वहाँ हमें कोई लाइट इतने एंगल तक, देखें यहाँ से शुरू इतने एंगल तक, यानी यहाँ से शुरू किया हमने, स्टार्ट ले रहा था, ये स्टार्ट ले रहा था, यानी 0 डिग्री हमारा डायरेक्ट इवेंट था। तो ये हमारा डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट इमेज नजर आ रहा था, ये हमारा डायरेक्ट इमेज नजर आ रहा था, राइट वर्ड हमने इसको टेलीस्कोप को राइट दरमियान में हमें कोई लाइट नजर, देखें दरमियान में हमें कोई लाइट नजर नहीं आ रही, ये यहां तक तकरीबन 5 डिग्री हो गया, यहां तक डिग्री तक 5 डिग्री हो गया, कोई लाइट 5 डिग्री तक दरमियान में हमें कोई लाइट जो वेव्स आ रही थी पर उनका डिस्ट्रक्ट जो वेव्स आ रही थी उनका डिस्ट्रक्टिव इसको مزید आगे बढ़ते हैं तो आप देखें, इसको مزید आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर जो है आपको यहां पर जो है यहां पर आप दोबारा करें आपका जो इमेज है दोबारा सेट का जो इमेज है पहले ब्लू रंग नजर आ रहा है, और सबसे पहले ब्लू रंग नजर आ रहा है, ब्लू के बाद देखें आगे ब्लू के बाद देखें आगे वायलेट कलर है जो है आगे वायलेट के बाद जो है आगे फिर ग्रीन कलर जो है आपको ये आ रहे सामने, यानी है जो ये आपके सामने उसने आने वाली लाइट ग्रेटिंग थी, उसने आने वाली लाइट डिफरेंट कलर दिया है नजर आने, और उसके डिफरेंट कलर जो है क्योंकि हम लाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइट यूज कर रहे हैं येलो लाइट नंबर वाली लाइट से येलो नंबर वाली लाइट जो है, और उसी का हमने जो है कलर और उसी का हमने जो है कलर नोट करना है। लेकिन हायर लेवल पे हमें तमाम रंगों की जो है वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कौन सी आ रही है। अब देखते हैं यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्नियर का जो डिवीजन है वो किस नंबर को क्रॉस कर गया। तो अब देखें ये 20 नंबर को क्रॉस कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर, तो वर्नियर वन में हमारी जो मेन्स की रीडिंग है वो 20 होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा डिवीजन मुकम्मल तौर पर सामने है, तो ये वाला नंबर देखें, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ रहा, तो ये गिन लें यहाँ तक, ये 10, 12, 14, 16, 18 और 19 नंबर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ रहा है। तो ये हमारे पास यानी राइट साइड पर जो है वर्नियर वन की रीडिंग होगी। इसी तरह इस तरफ देखेंगे आप, तो ये हमारा जो नंबर था ये 200 है, तो 0 जो है 200 को क्रॉस कर चुका है पूरा, तो 200 हमारी मेंस की रीडिंग होगी। और फिर हम देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न जो है मुकम्मल तौर पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से देखें ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा है, ये 2, 4 और 6 नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट मेरा है। तो इस तरह हम दोनों वर्नियर की जो रीडिंग है वो नोट कर लेंगे येलो कलर के ऊपर। ये हमारे पास जो है यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो है एंगल आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वर्नियर वन और वर्नियर टू का, ये 2 थीटा बनेगा, और इसको 2 से फिर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह आपने क्या करना है कि आप टेलीस्कोप को आप जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये राइट साइड पर रीडिंग आ रही थी, अब आप टेलीस्कोप को घुमाएंगे और दोबारा जो है राइट साइड की तरफ इसको ले जाएंगे। अब देखें दोबारा फिर हमें पहले डायरेक्ट इमेज नज़र आएगा, ये स्लेट दोबारा नज़र हमें नज़र आना शुरू हो गई। इसके बाद जैसे ही हम टेलीस्कोप को मज़ीद आगे लेफ्ट वर्ड लेकर जाएंगे, तो फिर देखें दरमियान में लाइट नज़र आना बंद हो रही है, तो इस हिस्से के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे दोबारा फिर हमें यानी वो ब्लू कलर नज़र आना शुरू हुआ, ब्लू के बाद वायलेट है, ग्रीन है, और फिर हमने इसी को येलो लाइट के ऊपर ही फोकस करवाना है क्योंकि हमारा जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो सोडियम लाइट के लिए ले रहे हैं। तो इसको हमने येलो लाइट को जो है क्रॉस वायर के बिल्कुल ऊपर फोकस करवा देंगे। अब यहाँ फिर आप रीडिंग नोट करेंगे,
अब यहाँ देखेंगे 340 से पीछे है, तो ये मान जाएगी 339 ये और 339.5, यानी हमारी मेंस की रीडिंग है 339.5 एग्जैक्ट आ रही है। इसके बाद वर्नियर का जो डिवीजन को इनसाइड कर रहा है वो भी इसके साथ वाले, ये नहीं नंबर वन नहीं मिल रहा, ये नंबर वन और टू दोनों में से एक, ये नंबर वन ही ज़्यादा एग्जैक्ट जो है उसके सामने आ रहा है। तो इधर हमारी मेंस की रीडिंग हो जाएगी 39.5 और वर्नियर का डिवीजन नंबर वन को इनसाइड कर रहा है। सिमिलरली आप वर्नियर नंबर टू जो है इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो ये रीडिंग आपकी जो है 160 से पीछे है, तो ये बन जाएगी 159.5, तो ये एग्जैक्ट 159.5 ही आ रही है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये हमारा पहला डिवीजन ही कंसाइड कर रहा है। तो यूँ हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर की दोनों रीडिंग्स आ जाएंगी। आप जो वर्नियर वन और वर्नियर टू की दोनों रीडिंग्स होंगी इनका आप डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास जो है 2 थीटा बनेगा, और इसका हाफ़ करेंगे तो यूँ हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करना चाहते हैं तो टेलीस्कोप को मज़ीद आगे ले जाएंगे। अब देखें जैसे हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो यानी दरमियान में गैप आएगा, उसके बाद देखें फिर कलर नज़र आने शुरू हो गए। लेकिन अब के बार आप देखें जो कलर हैं उनकी एक तो इंटेंसिटी कम है, दूसरा उनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा है, यानी जैसे जैसे ऑर्डर हमने ज़्यादा किया तो जो रिजॉल्विंग पावर है इसकी वो ज़्यादा होती चली जा रही है। ये हमारे सेकंड ऑर्डर के लिए रीडिंग होगी। अब दोबारा टेलीस्कोप को जो है येलो कलर के ऊपर फोकस करवा के इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इसको 100% इसके ऊपर एग्जैक्ट आपने फोकस करवा लेना है। अब रीडिंग दोबारा नोट करें तो ये देखें 320 है, तो ये पीछे चले जाएँ तो ये 19, ये 18, ये 17, ये 16, तो वर्नियर का जीरो जो है 316 डिग्री से आगे है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा वर्नियर का कौन सा डिवीजन जो है एग्जैक्ट को इनसाइड कर रहा, तमाम को चेक करेंगे। तो यहाँ से देखें ये नंबर और इन नंबर के दरमियान वाला ये नंबर जो है एग्जैक्ट उसके इधर से भी ये, बल्कि ये ज़्यादा सामने आ रहा, दो नंबर जो है यानी नंबर वर्नियर का दूसरा डिवीजन जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो मेन स्केल के साथ को इनसाइड कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर रीडिंग हमारी आ रही है 3, ये बन गई थी, यानी ये थी 19, 18, 17, 16, 316 डायरेक्ट रीडिंग हमारी थी, मेंस की रीडिंग थी, और वर्नियर का जो है दूसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इसी तरह आप जो है वर्नियर टू की रीडिंग नोट करेंगे, इसमें देख लें ये कितनी बन रही है, 140 है, तो ये 139, 138, 137 और 136 से आगे है, तो मेंस की रीडिंग हमारी हो जाएगी 136। और वर्नियर का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको हम यहाँ से रीड करेंगे कौन सा एग्जैक्ट बिल्कुल मिल रहा है और कौन सा वर्नियर का डिवीजन जो है मेन स्केल के बिल्कुल सामने है, तो इन दोनों की मदद से हमारे पास स्केल की रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ ये गौर करें, ये वाला नंबर इसके सामने आ रहा है, ये 21 नंबर जो है वो बन रहा है, तो यहाँ पर मेन स्केल में हमारी रीडिंग आ जाएगी 140, 39, 38, 37, 136 मेंस के रीडिंग। और वर्नियर का जो डिवीजन कंसाइड कर रहा है ये वाला आप नोट करेंगे, ये 22 नंबर बन रहा है, तो इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास जो है 2 थीटा एंगल आएगा। सिमिलरली आप टेलीस्कोप को जो पकड़कर फिर यानी राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो पहले आपको डायरेक्ट इमेज नज़र आएगा, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, फर्स्ट ऑर्डर के बाद हमें दोबारा सेकंड ऑर्डर ऑब्जर्व करना है और उन दोनों की जो वैल्यू होगी उनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 2 थीटा आएगा। तो इस तरह हमारे पास यानी दो एंगल हमारे पास आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास जो एंगल आ जाएगा, और फिर हम फार्मूला यूज़ करके जो है इसके ज़रिए हम जो इस्तेमाल होने वाली लाइट जो है उसकी वेवलेंथ को डिटर्मन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये इसका तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।